इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। एयरपोर्ट्स चलाते बनाते ऑपरेट तो करते ही हैं, उसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज अननोटिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी हम काम करते हैं। तो उसी में ही एक हमने इक्वालिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं, नॉट ओनली मैन वीमेन बल्कि ट्रांसजेंडर को भी मेन धारा में लेके आए, मेन स्ट्रीम में आए वो, तो उनको हमने पहले अवेयरनेस कैंपेन हम करते हैं उस एयरपोर्ट पे, उसके बाद भी हम वहाँ पे अपने स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो TGDs को भी उनके क्वालिफिकेशन उनके स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दे। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इम्फाल एयरपोर्ट पे मियाँ ये हेल्प यू में थ्रू आउटसोर्सिंग एक TGDs को एम्प्लॉय किया कर लिया है और एक एडवोकेट को भी जो TGD एडवोकेट हैं उनको भी इम पैनल किया है फॉर टेकिंग अप द लीगल मैटर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अभी आज हमने यहाँ पे सबको सेंसिटाइज किया है इस TGD और इक्वालिटी को लेके, नॉट ओनली TGD जेंडर इक्वालिटी को लेके बल्कि इन जनरल ऑल काइंड ऑफ इक्वालिटीज़ को लेके। और हमारा टारगेट है कि जल्दी ही यहाँ पे हम विदिन 2 मंथ्स यहाँ पे जो अदर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको भी मोटिवेट करें, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर यहाँ पे स्टेक होल्डर्स उनको एम्प्लॉयमेंट दें। अभी जो हमारा अगरतला में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमाइज्ड एयरपोर्ट है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया के अंदर। और ये अगरतला एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पे बॉडी स्कैनर्स भी यहाँ पे लगने वाले हैं, मोर एंड मोर बायोमेट्रिक मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ये जब ये कमीशन्ड होगा उसमें ज़्यादा इफेक्टिवली और हैसल फ्री मूवमेंट्स हमारा पैसेंजर्स को देने का इसमें हमारा टारगेट है। हमारा पूरा नॉर्थ, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर जो एविएशन सेक्टर है वो उसमें बूम है और वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट पेस से चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पिछले साल पैसेंजर्स का इंक्रीज़ 25% तक है जो कि ऑलमोस्ट नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। और अगरतला के अंदर भी अगर देखें तो मोर देन 10% यहाँ पे भी पैसेंजर्स की ग्रोथ है। तो हम इस ग्रोथ को देखते हुए हम भी बहुत तेज़ी से ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम अपग्रेड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जिससे कि पैसेंजर्स की ग्रोथ के हिसाब से हम पिछड़ ना जाएं।